गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड का एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एक शॉर्ट नोट आता है हमारे 1857 के जो लेजेंड्स थे या जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो बहुत फेमस थे और उनके बारे में शॉर्ट नोट हमसे पूछा जाता है। सो आज हमारा पहला जो मेन लीडर थी, जो हम कहा जाते हैं, जिनको हम सब बचपन से जानते आ रहे हैं, नाम सुनते आ रहे हैं उनका, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम बचपन में मनु था, जिनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुई, वो इस 1857 की लड़ाई में एक मुख्य भूमिका में थी। राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान संभाल ली, पर खुद इनका खुद का पुत्र ना होने की वजह से, जो एक हमने आपसे कल बात की थी, अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हमने आपको बताया था कि इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ जो भी ऐसे राजा होते थे जिनका खुद का कोई पुत्र ना होता था या जिनका कोई खुद का उत्तराधिकारी ना होता था, वो उनकी राज्य को हड़प लेते थे, ये उनकी पॉलिसी थी। तो चूँकि महाराज गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का खुद का कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण झांसी को भी अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, पर रानी लक्ष्मीबाई आखिरी तक डटी रहीं और उन्होंने तात्या तोपे के साथ मिलकर झांसी को वापस कब्ज़े में लिया। परंतु बाद में फिर से वो उनके कब्ज़े में आ गया, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी, लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए। अगले मेन लीडर मंगल पांडे, हमने आपको कल इनके बारे में बताया ही था। मंगल पांडे फेमस कहाँ से हुए थे? 29 मार्च 1857 में जब इन्होंने लार्डेड कार्टरेज को खोलने से मना कर दिया था, तो इनके अफसर इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और इनको पनिश किया। ये इतने ज़्यादा गुस्सा हुए कि इन्होंने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी, जिसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। 8 अप्रैल को अरेस्ट किया गया और 9 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। और यही वो मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनको हम कह सकते हैं कि जिनके कारण 1857 की जो क्रांति थी वो शुरुआत हुई। एंड इनको ये भी कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम। नेक्स्ट वन तात्या तोपे। तात्या तोपे ग्वालियर के थे और रानी लक्ष्मीबाई के काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। तात्या तोपे की खास बात यह थी कि जो नाना साहेब थे, ये नाना साहेब की सेना को संभालते थे। नाना साहेब की जो सेना थी ये इनके अंडर में ही थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योद्धा थे और काफ़ी अच्छे गोरिल्ला वारफेयर इनको आती थी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको गोरिल्ला वारफेयर काफ़ी अच्छे से आता था और ये टैक्टिक इन्होंने सीखी थी। जब इनका ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, तो इन्होंने फिर ये नेपाल जाके इन्होंने ये वारफेयर ये तरीका सीखा लड़ने का, और यहाँ पे आके वापस रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर को जीत लिया। नेक्स्ट वन हमारे नाना साहेब। नाना साहेब को नाना साहेब पेशवा भी कहा जाता है। नाना साहेब जो थे वो असल में पेशवा फैमिली के तो नहीं थे। आपने सुना होगा बाजीराव, एक मस्तानी मूवी आई थी बाजीराव में, आपने उसमें देखा होगा। सबसे पहले पेशवा थे बालाजी बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव पेशवा के पिताजी थे। उसके बाद बाजीराव हुए, फिर उनके बाद उनके दो पुत्र हुए, पर नाना साहेब जो थे उनको बाजीराव ने गोद लिया हुआ था। तो नाना साहेब भी इन दोनों पेशवाओं के बाद नाना साहेब को पेशवा बनाया गया था और उस पूरी पेशवा की जो आर्मी थी वो इनके अंडर में थी और इन्होंने अपनी पूरी आर्मी को तात्या तोपे को संभालने को दिया हुआ था। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये पेशवा फैमिली के बहुत ही खास थे। नेक्स्ट वन तात्या भील। तात्या भील हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान रहा कि जब 1857 की क्रांति नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया साइड चल रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी तात्या भील नाम का एक व्यक्ति था जो अपने गीतों से लोगों के मन में वो आक्रोश भर रहा था, जिसके कारण से वो लोग इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और इनके सम्मान में जो मध्य प्रदेश सरकार थी वो एक तात्या भील पुरस्कार भी देती है।